नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज विशेष पेशकश दिल्ली की एक ऐसी जगह से जहां विपक्ष हाहाकार मचा रहा है, देश कतार में खड़ा है, सरकार नोटबंदी के अपने फैसले पर अडिग दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि 10 दिन आज इस बीच गुजर गए हैं, क्या ये कतारें इस देश के लिए कुछ कह रही हैं? क्या नोटबंदी के जिस फैसले पर सरकार अडिग है, उस पर ये लोग भी उसी तरह से अडिग है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं कतार में, आप बताइए, आपको लगता है कि मोदी जी ने सही फैसला लिया है? फैसला सही है, बट प्रिपरेशन थोड़ी कम थी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो तैयारी थी वो नाकाफी है, कम है? जिनको लगता है हाथ उठाइए। ज्यादातर लोग एक के दिक्के, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि तैयारी नहीं है, पर आप लोगों को लगता है कि तैयारी है या फैसले के साथ? नो, मतलब फैसले के साथ है, लेकिन तैयारी इनको पहले प्लान कर लेना चाहिए था, एटीएम्स का पहले से कुछ करना चाहिए था। मैम, इतने कम समय के अंदर इतना कुछ कैसे पॉसिबल है? अब इतने सारे लोग, आप देखिए लोग क्या कर रहे हैं, एक एक आदमी 20-20 लोगों को भेज करके 2,000-2,000 रुपए निकलवा करके 40,000 रुपए एक ही दिन में अपने घर ले जाता है, तो करेंसी शॉर्ट होगी। आप बताइए, अभी पैसे लेने आई हैं? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम विद मोदी, विद मोदी इज टेकिंग अ गुड स्टेप। ठीक है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के साथ हैं इस फैसले में। आप लोग साथ हैं? अगर है तो हाथ उठाइए। तो चलिए, एक एक संदेश जो साफ है वो ये है कि प्रधानमंत्री के फैसले के साथ है। तैयारी और होती तो शायद बेहतर होता। आई एम अ सीनियर सिटीजन, आई हैव लिव्ड थ्रू ऑल गवर्नमेंट्स, दिस इज द बेस्ट गवर्नमेंट आई हैव सीन। चलिए ठीक है, इसी के साथ आपको दिखाते हैं, 10 दिन गुजर गए हैं, कैसे विपक्ष अपने विरोध पर अड़ा हुआ है, सरकार अपने फैसले पर, जनता प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन इसी बीच सवाल तैयारियों पर। आठ नवंबर 2016 रात 8 बजे, वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोट बदली के फैसले के 10 दिनों बाद का यह हाल है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में दिल्ली में सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की। युवा कांग्रेसियों को रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन पानी की बौछारें भी कांग्रेसियों का गुस्सा ठंडा नहीं कर पाए। इसमें राजा बरार हमारे सामने हैं, यहाँ जिन लोगों को बस में भरकर पुलिस लेकर आई है, लेकिन कार्यकर्ता हैं वो बस में जाने को तैयार नहीं है, उनका विरोध लगातार जारी है। प्रमाण जो मोदी सरकार ने दिया है, इसका आज पूरे हिंदुस्तान का यूथ कांग्रेस आज विरोध करता है। नोटबंदी पर सियासी संग्राम सड़क से लेकर संसद तक है। लगातार 3 दिनों से संसद में हंगामा चल रहा है। नोटबंदी विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, गजब की बात है, सारे में यही हो गया बेचारा, हर आदमी का सब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई? पूरे देश में ऐसा महसूस हो रहा है देश के आम जनता में, जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई हो। पूरे देश भर में छा गए हैं जो काला धन बनाने वाले, वो पूरी तरह से उनकी चारों दसों उंगलियां घी में पड़ गई। 10 दिन से पूरा देश जैसे बैंकों और एटीएम के सामने लाइन में लगा है। किसी को नोट बदलना है तो किसी को अपने खाते से पैसे निकालने हैं। थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन ज्यादातर जनता भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के खिलाफ इस जंग में प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ खड़ी है। मोदी ने जो फैसले किया वो बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि दो कितने दिन परेशानी होगी, 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन, लेकिन एक वो तो है, डिसीजन तो लिया उसने। कुछ भी है कि मोस्टली डीलिंग सब चेक से। देश की आम जनता तो सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए कतारों में लग गई, लेकिन विपक्ष को ये बात पची नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को किसी ने कभी बैंक और एटीएम के पास नहीं देखा था, लेकिन सियासत का तकाजा था। 11 नवंबर को राहुल 4,000 रुपए बदलने के लिए दिल्ली में स्टेट बैंक पहुंच गए। कतारें तोड़कर उन्हें बैंक के भीतर ले जाया गया।
एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं सब, यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। राहुल गांधी के अचानक बैंक पहुंचने पर सियासत गरमाई थी। इसके चार दिन बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन गांधीनगर में अपने गांव के बैंक के सामने कतारों में लगी। आम लोगों की तरह अपने पुराने नोट बदलवाए। इसे बेटे के फैसले में बूढ़ी मां के साथ के तौर पर देखा गया, लेकिन विपक्ष को यहां भी राजनीति ही नजर आई। नहीं कि ऐसा है ना, देखो ऐसा कभी भी होता है, माँ कभी कभी डर जाती है कि बेटा अकेला ना कहीं हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के खिलाफ विपक्ष की तरफ से बिगुल सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फूंका था। ममता बनर्जी ने 16 नवंबर को शिवसेना समेत कई दलों के प्रतिनिधियों के साथ संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया, राष्ट्रपति से मुलाकात की और मोदी के फैसले का विरोध किया। पहले एटीएम का एक मीनिंग था कि ऑल टाइम मनी, अभी बोलता है एटीएम आएगा तो अब मिलेगा, मिलता ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ। ममता बनर्जी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का साथ मिला। गुरुवार को दिल्ली की सब्जी मंडी में ममता और केजरीवाल ने रैली की। रैली में ममता बनर्जी ने सरकार को नोटबंदी का फैसला वापस लेने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। हालांकि रैली से पहले केजरीवाल और ममता बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं का तगड़ा विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों के 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिए, 8,00,000 करोड़ माफ करने हैं, तो एक षड्यंत्र रचा गया। 8,00,000 करोड़ कहां से आए भाई साहब, एक षड्यंत्र रचा गया। नोटबंदी पर विपक्ष बवाल काटता रहा, लेकिन सरकार ने गुरुवार को दो टूक का फैसला सुना दिया। साफ कह दिया कि नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। कुल स्पष्ट कर दूं, जो आम आदमी पार्टी और तृणमूल ने कहा कि इसको रोल बैक करो, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 10 दिनों में देश में तरह तरह के नजारे दिखे। बैंक के सामने लंबी कतारें दिखी तो रात में तमाम लोगों ने 1,000 और 500 के नोटों को कहीं कूड़े में फेंका, कहीं नाले में तो कहीं गंगा मैया की धारा में। कभी देखा था कि गंगा में लोग नोटे डाल रहे हैं 500 की 1,000 की? अरे पापियों, गंगा में नोटे बहा करके भी आपका पाप धुलने वाला नहीं। ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया। विपक्ष इस फैसले पर भले ही आसमान सिर पर उठा रहा हो, लेकिन तमाम परेशानियों के बीच आम जनता ने खुलकर मोदी के फैसले का साथ दिया। सही भी है, ये तो बस अभी की परेशानी है, बाद में आसानी है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 10वें दिन ये सवाल कि ये लाइन टूटती क्यों नहीं है, मुश्किलें कम होती क्यों नहीं है, क्या कतार में अब कमी आ रही है और क्या कहना है लोगों का इस बात पर कि लाइन में खड़े हुए लोगों की मौत भी हो गई है, क्योंकि विपक्ष इसी को भुनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल रहा है और तमाशा कर रहा है, वाकई उतनी दिक्कत है? एक्चुअली में दिक्कत तो हो ही रही है सबको, लेकिन इतना तो हमें कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। आप सबको ऐसा लगता है कि इतनी परेशानी झेलने को आप लोग तैयार हैं, लगता है ऐसा? बिल्कुल 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 लग रहा है जी। क्यों? मोदी ने जो किया बहुत बड़ा, बहुत अच्छा करा है। जो देश का क्या होगा, क्या होगा देश की, अपना जितनी काला धन है वो सब बाहर आएगा। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि इससे काले धन में वाकई लड़ाई में फायदा होगा, हाथ उठाइए। सभी मानते हैं, सबको ये लगता है बहुत अच्छा काम है ये। अभी पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 6 महीने साल भर के बाद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अभी पब्लिक थोड़ी परेशान है, इस वजह से पब्लिक ये समझती है कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ है, धोखा नहीं बल्कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। अब आप बताइए, लाइक जैसे हमारे आर्मी पीपल्स हैं वो भी खड़े रहते हैं बॉर्डर्स पे, तो उनके बारे में कोई नहीं सोचता सिंपली, कि अगर ये यहाँ पे खड़े तो बस इनके माइंड में ये है कि लाइक हम यहाँ पे खड़े हैं और हम क्यों खड़े हैं। यार उनके बारे में सोचो जो वहाँ पे गोली खा रहे हैं देश के लिए, और तुम्हें तो लाइन में नोट के बदले। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी नेता ने कदम उठाया काले धन के खिलाफ। मैडम जी, काला धन करके जो बोल रही है सरकार की ऐसा करेंगे, अब ये नोट निकाल दिया इन्होंने, नोट जो 1,000 रुपये का 2,000 का नोट निकाला है, एटीएम के आगे इतनी लोग भीड़ लगी हुई है, इन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि जो है एटीएम का जो 2,000 का नोट जो बनाया
2000 का जो नोट बनाया है उसकी जगह 1000 रुपए की जो साइज था उसे 1000 रुपए के साइज के हिसाब से बना। तैयारी पूरी क्यों नहीं थी, आपको लगता है कि सरकार का फैसला अच्छा है? हाँ बिल्कुल, आई बिलीव कि मोदी जी ने जो किया बहुत सही किया। उसकी वजह से महंगाई वगैरह सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही है, एवरीथिंग इज जस्ट गेटिंग कॉस्टली दीस डेज। लग रहा है कि उससे बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी चीजों पर हो रहा है। आप में से और कोई बोलना चाहता है, क्योंकि लाइन में जल्दी खड़े होते नहीं थे हम लोग एक देश के रूप में, लेकिन आज खड़े हैं। बुरा लग रहा है या लग रहा है फैसला अच्छा है? अच्छा है मैम फैसला, अच्छा लग रहा है। यस मैम। क्या अच्छा किया मोदी जी? इससे कालाधन पे कुछ लगेगा बाद में, कि आपका 2-3 चीजें मुझे याद आएंगे बाद में, उस पे अच्छा है मैम। मतलब उम्मीद जगी है आप में से जो लोग इधर खड़े हैं, कितने लोग मानते हैं कि उम्मीद जगी है इससे कि काले धन से लड़ाई में फायदा होगा? हाथ उठाइए, ज्यादातर लोग। अब चलिए यहाँ से तो एक तरह से हैंड्स अप ही मिल रहा है मोदी जी के इस फैसले को, बल्कि बड़ी अच्छी बात एक शख्स ने कही कि राष्ट्रभक्ति की जिम्मेदारी सिर्फ उस सिपाही की नहीं है जो सरहद पर खड़ा है, उसकी भी है जो देश के अंदर है व्यवस्था को बदल सकते हैं। नोटबंदी को पूरे 10 दिन हो गए, देश लाइन में खड़ा है। इन 10 दिनों में कोई कैश के लिए लड़ता नजर आया, भिड़ता नजर आया, बैंकों में जबरन घुसता नजर आया। अंधेरे में, उजाले में, सुबह में, शाम में, देश बैंकों के सामने खड़ा नजर आया। तो कईयों ने इसी लाइन में दम तोड़ दिया, तो किसी पर पुलिस की लाठियां भी पड़ी। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे, देश 50 दिन मेरी मदद करे। 10 दिन बाद भी ये लाइन लगी है। ये लाइन थोड़ी छोटी जरूर हो रही है, लेकिन खत्म नहीं हो रही। अब तो तस्वीरें अजब गजब भी आ रही हैं। ये देखिए, पोस्ट ऑफिस की लाइन में इंसान नहीं, उनके खाते यानी पासबुक भी लगी है। हर जगह चेंज नहीं हो रहा है, दिक्कतें हैं, मगर आगे इस दिक्कतों का समाधान किया जाएगा और आगे सब अच्छा अच्छा होना है। इतनी दिक्कतें आ रही हैं, ये बताइए क्या कर लेगा गरीब इंसान इसमें, हम तुम क्या कर लेंगे? सुबह को बच्चों को छोड़कर, अपना घर का काम छोड़कर आए, लाइन में लगो। हर एक एटीएम में अगर 500 का नोट मिलना चालू हो जाएगा तो दिक्कत कम हो जाएगी। अभी हमें कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे लाइन में लगे लगे, बहुत परेशान है हम लोग। 3 बजे आए थे जब नंबर आया था हमारा सुबह। देश की इन दिक्कतों को सरकार भी समझ रही है, और वो बैंक कर्मी भी जिनके बैंकों के सामने ये लाइनें लगी हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, 10 दिन से लंबी कतार देखते हुए अब बैंक कर्मी खुद मदद के लिए बाहर निकल आए हैं। जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहाँ बैंक कर्मी खुद लोगों के फॉर्म भर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी लाइन छट सके। हम आपको बता दें कि बीकानेर में ही एक शख्स की लाइन में तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। और ये तस्वीर कानपुर की है, आप देख सकते हैं कि एटीएम के सामने लोगों की भीड़ छट रही है। सिर्फ कानपुर ही नहीं, दिल्ली में भी एटीएम के सामने लाइनें छोटी हुई हैं। बहुत आराम है, तो आसानी से हो जा रहा है काम। मतलब क्या सरकार की नई नीतियों का कोई असर पड़ा? हाँ, उसी वजह से जो 2000 ट्रांजेक्शन और अंगूठे पे निशान लगाने लगे। हाँ, इस वजह से। लेकिन बैंकों के सामने लाइन अभी भी लंबी है। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। सरकार देश से यही अपील कर रही है कि धैर्य रखें, लाइन में घबराएं नहीं, अपने पैसे को लेकर घबराएं नहीं, आपका पैसा सुरक्षित है। जहां तक लाइन की बात है, अभी एटीएम पर भीड़ कम हुई है, बैंकों की लाइनों में भी भीड़ धीरे धीरे हल्की होगी। आज तक ब्यूरो। शादी भी है, जिसके घर में शादी है क्या उसे परेशानी हो रही है? प्राइवेट अस्पताल 500,000 के नोट नहीं ले रहे हैं, अगर किसी का भी कोई बीमार है तो उसकी परेशानी का क्या हल है? क्या सोचते हैं जो लोग यहाँ पर खड़े उनसे जानते हैं। आपको लगता है जिनकी शादी हो रही थी या परेशानी है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है? जी मैम, इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ। जिनकी शादी हो रही है तो 2.5 लाख देने का आप निकाल सकते हैं अगर शादी हो रही है सरकार ने? हाँ, तो ये मैम बहुत बढ़िया खुशी खबर है, ये अच्छा काम किया सरकार ने। मतलब आप लोग इधर अब क्योंकि ये नए लोग अब जुड़ गए हैं, आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा फैसला लिया? अगर सोचते हैं हाँ तो हाथ उठाइए। ये सब लोग मानते हैं कि अच्छा फैसला है, आप क्या बोलिएगा? आपको लग रहा है कि अच्छा फैसला है, काले धन से लड़ाई में फायदा होगा? अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है। मतलब लाइन में खड़ा होना और ये परेशानी आपको बहुत बड़ी नहीं लग रही? नहीं।
ठीक है, आप बोलिए। अच्छा ही है। अच्छा ही है क्या होता है? वो तो 50 दिन के बाद पता चलेगा। 50 दिन के बाद? 50 साल बनाम 50 दिन कहते हैं मोदी जी, आपको लगता है सही कह रहे हैं? वो तो 50 दिन के बाद ही पता चलेगा क्या है, अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, आप में से और कोई जो बोलना चाहे, आपको लगता है कि सही फैसला है? जी बहुत सही, सही जी बहुत सही फैसला है। लाइन में खड़ा होना परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि छोटी सी चीज है ये देश के लिए? छोटी तो नहीं है लेकिन बड़ी चीज है, अच्छा काम हो रहा है। इतना अगर दिक्कत सह सकते हैं, अगर पब्लिक परेशान ना हो तो अच्छा ही है, और अगर पब्लिक परेशान हो तो इससे खराब कोई काम नहीं है। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ तो सारे ही ये मान रहे हैं कि अच्छा फैसला, आप लोग भी इधर खड़े हैं पीछे पीछे कैमरे के चल रहे, बताइए अच्छा फैसला है सबको लग रहा है? देखिए ये रिपोर्ट, देखिए ये रिपोर्ट, शादी ब्याह हॉस्पिटल वहां पे परेशानी, लेकिन लोगों का क्या कहना है इस पर? नोटबंदी के ऐलान के साथ मुश्किलों और दिक्कतों का अंबार भी लग गया, और सबसे बड़ी मुश्किल सामने आई अस्पतालों और उन घरों में जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है। हालांकि सरकार ने सरकारी अस्पतालों में पुराने नोट चलाने की मोहलत दे दी, लेकिन मुसीबतें पिछले 10 दिनों से जिस तरह से बनी रही अब उसको दिखाते हैं। दवाई दुकान वालों ने पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया, कई अस्पतालों ने 500 1000 के नोटों से मुंह फेर लिया, बीमारों के परिजन बैंकों और एटीएम की लाइनों में लगे रहे, कैश की खातिर भटकते रहे। थोड़ी प्रॉब्लम है अभी 500 और 1000 में, लेकिन ये दिक्कत जल्दी ठीक हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एटीएम से नहीं मिल रही, इधर से चेंज करने पैसे, 6 बजे के बैठे हुए सुबह से। समस्या आई तो समाधान भी निकालने की कोशिशें तेज हुई, अस्पताल में पुराने नोटों की मियाद 24 नवंबर तक बढ़ी और मरीजों के बेड तक कैश भी पहुंचा। मेरे को अंदर से ये घबराहट हो रही थी कि आगे मैं काम कैसे करूंगी, मेरी मदर इन लॉ 90 साल के, मैं उनको लेकर आई हूँ, मैं एक पीएन का काम करती हूँ, मेरे पास पैसे इतने नहीं थे। इनका बहुत बहुत थैंक यू, पोस्ट ऑफिस वालों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मदद मिलेगी आपको यहाँ पर जो लोग आए हैं डाकखाने में? तस्वीरें कोयंबटूर के सरकारी अस्पताल की हैं, आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अस्पताल में टेम्पररी एक्सचेंज काउंटर भी लगाए हैं। दिल्ली से लेकर देश के कई अस्पतालों में मोबाइल एटीएम भी पहुंच गए। नोटबंदी का असर कुछ इस तरह से पड़ा, 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़े बने तो शादी वाले घरों की रौनक उड़ने लगी, तो कहीं मातम ने डेरा डाल दिया। पूरे देश के अंदर कितनी बेटियों की शादियां टूट रही हैं, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, लोगों की शादियां टूट रही हैं। सरकार ने इस दर्द को समझा और शादी के लिए 2.5 लाख कैश निकालने की छूट दे दी। 2.5 लाख रुपए एक साथ जो मिल रहा है मेरे को, उससे इतने राहत है कि अब हम जो सिर पे टेंशन थी वो दूर हो गई है। इनका जो है इनका कार्ड देख रहे हैं, इनके जो काउंटर पार्ट है उनका कार्ड, जो मैरिज कार्ड, वो हमने देखा है, इनसे हमने अंडरटेकिंग ली है। हालांकि सरकारी दावों के बावजूद बैंकों में कैश की किल्लत भी दिखाई दी और शादी का कार्ड लिए शादी वाले भटकते भी नजर आ रहे हैं। कि ये शादी वाला घर है जी हाँ, और शादियों को लेकर तो खास व्यवस्था की है सरकार ने, 2.5 लाख तक जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। आपको अंदर बंदा गए हैं, हमसे पहले किसी की मतलब लड़की की शादी थी, वो अंदर गए, वो पहले अपनी शाखा पे गए, उन्होंने कहा आरबीआई वाले भी देंगे, आरबीआई वाले के पास गए, वो कह रहे हैं यहाँ कोई कैश नहीं मिलेगा, आप वापस वहीं जाओ। अभी मैं इसी कतार में लगा हूँ, शायद कुछ तो होगा, देखता हूँ अंदर जाके क्या होगा। पिछले 10 दिनों में सरकार ने मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश की और फैसले में फेरबदल भी किया। अब सरकार लोगों से धैर्य रखने की अपील कर रही है। आज तक ब्यूरो। कुछ और बैंकों के सामने चलेंगे, एटीएम की लाइन में खड़े होंगे, जानेंगे देश इस पर क्या सोच रहा है, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि सरकार की घोषणाएं क्या क्या, कहां कहां पर लिमिट बढ़ाया गया, कहां पर राहत देने की कोशिश हुई। देश कतार में है, प्रधानमंत्री का फैसला अडिग है, सरकार का फैसला अडिग है, विपक्ष हाहाकार मचा रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल है कि ये देश जो इस कतार में खड़ा है
वो इस पर क्या राय रखता है, क्योंकि सरकार ने कई बार फैसले लिए बदले, 4,500 निकाल सकते हैं, अब 2,000 निकाल सकते हैं, 2.5 लाख आप निकाल सकते हैं अगर शादी घर में हो रही है, 1,000 के नोट आएंगे नहीं आएंगे, कई बार सरकार ने अपने फैसले इन तमाम चीजों पर बदले हैं। लंबी कतार यहाँ पर आज भी है, लेकिन इन सब के बीच आपको लगता है कि परेशानी है, गुस्सा है, या आपको लगता है सही फैसला? नहीं, सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला, बिल्कुल। जितने लोग यहाँ खड़े आप सबको लगता है सही फैसला है, हाथ उठाइए। सही मानने वाले कितने लोग हैं? इतने सारे लोग हैं जो सही मानते हैं, उधर भी दिखाइए सुबोध जी, इधर भी दिखाइए, इतने लोग हैं जो इस फैसले को सही मानते हैं, और कितनों को लगता है कि ये फैसला गलत है, गलत मानने वाले कितने हैं? तो बस ये झुंड अगर यहाँ पर छोड़ दे, क्यों लगता है आपको ये फैसला गलत क्यों है? मेरा 27 को पेपर है, और मैं 8 दिन से 10 दिन से लगातार मैं लाइन में लगा हूं। मैं पढ़ूंगा क्या, पेपर क्या दूंगा? गवर्नमेंट नॉट डन द होमवर्क प्रॉपरली, सरकार ने होमवर्क नहीं किया। कितने लोग मानते हैं कि सरकार ने होमवर्क अच्छे से नहीं किया, जो होमवर्क करना चाहिए था वो अच्छे से नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर ये मानती हैं कि होमवर्क अच्छे से नहीं हुआ। एक इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि सरकार हमसे ये तो बोल रही है कि आप इस अमाउंट का पैसा जमा कीजिए, लेकिन उसके ऊपर वो रोक लगा रही है। वो रोक क्यों लगा रही है उसके ऊपर? क्योंकि ये जो आप हमारा पैसा है वो आप आगे बड़े लोगों को देते जा रहे हैं, जो टॉप 10 बिजनेसमैन डिफॉल्टर्स है उन लोगों का जो ब्लैक मनी है वो पूरे जो ये मिडिल क्लास का ब्लैक मनी है उससे मिला के दुगना ट्रिपल अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी है। आप पैसे निकालने आई हैं? हाँ, मैं पैसे निकालने आई हूँ। कब से लाइन में? मैं अभी आई हूँ, इनफैक्ट मैं तो 1.5 वीक से इंतजार कर रही हूँ कि लाइन खत्म होगा, और मैं इस फैसले के खिलाफ है। मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है ये। आज 10वें दिन लोगों की क्या राय है, सोच है, ऐसे ही हमने एक और बैंक के सामने जानने की कोशिश की। अब ये रिपोर्ट देखिए। सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1,000 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर, एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1,000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। आज नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया। ये भी बताया कि अब ये नोट कहां खर्च किए जा सकते हैं और कैसे बैंकों में बदले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के मुताबिक बैंक के अपने खाते से कोई भी हफ्ते में दो बार 10-10 हजार रूपए निकाल सकता है। ATM से रोजाना 2,000 रूपए निकाले जा सकते हैं। बैंक में एक व्यक्ति 4,000 के पुराने नोटों के बदले नए नोट बदल सकता है। 11 नवंबर तक सरकारी अस्पताल, पेट्रोल पंप, ट्रेन और हवाई जहाज के टिकट पुराने नोटों से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन सुबह हुई तो बैंकों के सामने लोगों का तांता लग गया। जिन सड़कों पर टोल वसूला जाता है वहां गाड़ियों का रेला लग गया। 9 नवंबर की दोपहर ऐलान हुआ कि 14 नवंबर तक टोल प्लाजा पर टोल नहीं वसूला जाएगा। आम जनता, बैंकों और ATM की लोग परेशानियों से जूझते रहे। जिन घरों में शादियां थी उन पर तो जैसे वज्र गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी परेशानियों से वाकिफ थे। यही वजह है कि 13 नवंबर को गोवा में मोदी भाषण के दौरान भावुक हो गए। कुर्सी के लिए पादा नहीं, मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। सरकार को लोगों की परेशानियों का एहसास हुआ। 14 नवंबर को आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जनता को थोड़ी राहत देने के लिए कुछ अहम ऐलान किए, जिसके मुताबिक अब बैंक से हफ्ते में दो बार 10-10 हजार की बजाय एक बार में 24,000 रुपए निकाल सकते हैं। ATM से अब 2,000 रुपए की जगह रोजाना 2,500 रुपए निकाले जा सकते हैं। एक व्यक्ति 4,000 रुपए की जगह 4,500 रुपए के पुराने नोट बदल सकता है। बैंकों के बाहर 4-4 लाइनें लगेंगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन होगी।
करेंट अकाउंट से 50,000 रुपए की नकदी निकाली जा सकती है। पेट्रोल पंपों पर 24 नवंबर तक 500 और 1000 के नोट चलते रहेंगे। टोल प्लाजा पर भी 24 नवंबर तक टैक्स नहीं वसूला जाएगा। निजी दवा की दुकानों पर भी पुराने नोट चलेंगे। ये काले धन पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन ब्लैक मनी वालों ने गरीबों मजदूरों को अपनी जगह नोट बदलवाने की लाइन में लगा दिया। सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को फिर नए नियम बनाए। 18 नवंबर से लोग अब एक दिन में सिर्फ 2000 रुपए के नोट ही बदलवा पाएंगे। जो भी नोट बदलने बैंक आएगा उसकी उंगली में जल्दी न मिटने वाली स्याही लगाई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कुछ राहतों का भी ऐलान किया। जिन घरों में शादी है उनके लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट दी गई। किसान अब बैंकों से एक हफ्ते में 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। कृषि मंडी में व्यापारियों को एक हफ्ते में 50,000 रुपए नकदी निकालने की इजाजत दी गई है। ग्रुप सी के केंद्रीय कर्मचारी 10,000 रुपए की एडवांस सैलरी कैश में निकाल सकते हैं। टू परमिट द फार्मर्स टू ड्रॉ अप टू ₹25,000 पर वीक अगेंस्ट द क्रॉप लोन्स सैंक्शनड एंड क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट्स। मैरिज for wedding ceremonies which are going on up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account। शुक्रवार को सरकार ने यह भी ऐलान किया कि अब नोट बदली और पुराने नोट जमा करने का काम सिर्फ उसी बैंक में होगा जिस बैंक में उस शख्स का खाता होगा। आम जनता मोदी सरकार के फैसले के साथ खड़ी रही, तो वहीं बैंक कर्मियों ने सरकार की इस मुहिम में जान की बाजी लगा दी। 14 से 18 घंटे तक काम हुआ। शनिवार रविवार की छुट्टी के दिन भी बैंक देर रात तक खुले रहे। मैंने उस पॉलिटिकल मोह से अपने आप को मुक्त रखा है और बड़ी हिम्मत करके इस प्रकार की लोक लुभावनी बातें करने के बजाय मैंने व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने का साहस। रोहतक में कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर राजेश चंद्र तो 3 दिनों तक बैंक से घर ही नहीं गए। बैंक में ही वो सो जाते थे। पिछले मंगलवार की रात भी वो बैंक में ही सोए, बुधवार सुबह उठे नहीं। पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया तो मैनेजर राजेश चंद्र इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आज तक गर्म कतार वहाँ भी कतार यहाँ भी, लोग यहाँ भी खड़े। इसी के साथ इनका जिक्र, इनकी चर्चा की जो देश आज कतार में खड़ा है वो इस फैसले पर क्या सोचता है। लेकिन 2000 के नोट, आप में से कितने लोगों को लगता है कि 2000 का नोट हजम नहीं हो रहा है, उसको कहां लगाएं, लोग लेने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि 2000 का नोट ज्यादा परेशान कर रहा है? जो लोग मानते हैं हाथ उठाइए। सब खुश है? अच्छा, 2-3 लोग हैं जो सोचते हैं। इधर भी दिखा रहे हैं। आप अभी लेके आए हैं पैसे, दिखाइए कितने पैसे निकाले आपने। 10,000। और कितने आपको नोट मिले? 5। मतलब ये 2000 के 5 नोट आपको मिल गए? हाँ जी। हाँ, चलिए ठीक है, इसको अंदर डालिए। और ये 100 का नोट पहले से आपने छुपा के एक रखा हुआ है? 100 का एक और इधर छुपा के रखा है, दिखाइए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 100 का इधर छुपा है। मतलब आप सोचिए कि 2000 का नोट तो आराम से खुले में या निकाल रहे हैं, लेकिन भीड़ देख के 100 वाली नहीं दिखा रहे किसी को। कितने लोग मानते हैं कि सही फैसला है? हाथ उठाइए। सब 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 फैसले को सही बोल रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री का फैसला सही है। और कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि जो तकलीफ है उसको बर्दाश्त कर लेंगे? लाइन में तो बर्दाश्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मामूली तकलीफ है, हार्डली 25 डेज की प्रॉब्लम है, बाकी पूरी हो जाएगी। ठीक, 25 दिन की है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सब कुछ ठीक। ये है वो हिंदुस्तान जो उम्मीद पर इस वक्त टिका हुआ है, कतार में खड़ा है, लेकिन उम्मीद का दामन थामे आगे बढ़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं 2000 के नोट के इर्द गिर्द जो बवाल मचा हुआ है वो क्या है। हजार के नोट बंद करके 2000 के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे, मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। The 2000 rupees note in my pocket got from this bank here. Nobody is willing to take it because they can't give me change and I can't spend that for anything. 500 रुपए का नोट 1000 का नोट रद्द कर दो और 2000 का नोट ले आए जो रंग छोड़ रहा है, जो बचपन में हमको मिलता था चूरन के पुड़िया के अंदर। नहीं देखिए, कलर की बात में क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो नया नवेला गुलाबी नोट लोगों के हाथों में आया। करारा और गुलाबी नोट पाकर जनता ने
खूब सेल्फी खिंचवाई, लेकिन पिछले 10 दिनों में 2000 का नोट जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। सबसे पहले 2000 के नोट पर धावा केजरीवाल ने बोला, जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2000 के नए नोट को ब्लैक मनी का जरिया बताया। पहले किसी ने अपने कमरे में 100 करोड़ रुपए रख रखे थे 1-1 हजार के, अब उतनी जगह में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे 2-2 हजार के, तो बताओ काला धन कैसे खत्म होएगा, मेरी तो समझ के परे है। ब्लैक मनी से आगे चलकर 2000 के नोट पर सवाल ये उठा कि नोट तो आ गया, लेकिन ये जेब में पड़े रहने के अलावा किसी काम करें। सर ये 9 तारीख से पड़ा हुआ है, कोई लेता ही नहीं, कोई नहीं ले रहा, और यही से मिला अपने बैंक से। आज तक की टीम ने इसका रियलिटी टेस्ट भी किया। आज तक के रिपोर्टर ने भोपाल में 2000 के नोट को चलाने की भरसक कोशिश की। अजय भैया बताइए क्या समस्या हो रही है इस 2000 रुपए के नोट से? सर ये हर कहीं छुट्टा नहीं हो रहा, वो सवारी इतने की मिलती नहीं है, इतने ज्यादा पैसों की जो काट पाए। देखो चेंज की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आदमी एक चाय पीता है वो 2000 का नोट लेके आता है, तो उसको 1900 रुपए और बाकी चेंज कैसे वापस करे? 2000 रुपए का नोट है हमारे पास नहीं, आप खुल ले नहीं है। क्यों अब खुल ले? कोई ग्राहक लाता ही नहीं है, अब बंद बंदे नोट दिखाते हैं, वो अपने पास पैसे खुल ले कहाँ से आ गए। वाकई 2000 के नोट को चलाने में दिक्कत आई, लेकिन सरकार की माने तो ये दिक्कत भी ज्यादा दिन की नहीं है। जैसे ही करेंसी फैलेगी 2000 का नोट चलेगा नहीं, दौड़ेगा। विश्वास है हिंदुस्तान में अब बेईमानों के लिए कोई चांस नहीं। पिछले 10 दिनों में 2000 के नोटों के उड़ते गुलाबी रंग ने भी खूब जोर पकड़ा। नोट का रंग सफेद रुमाल पर उतरा तो सरकार की तरफ से इसकी भी ठोस दलील दी गई। उसका कारण ये है कि वो इंटाग्लियो पेंट जो है उसका वो नेचर वही है, अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो फेक करेंसी का एक साइन है। पिछले 10 दिनों में सरकार ने 2000 के नोट का हर फंडा क्लियर कर दिया। आज तक ब्यूरो। कतार में खड़ा इंडिया क्या दे रहा है सरकार का साथ, लगता ऐसा ही है। जी हाँ, सड़क पर खड़ी तस्वीर कुछ यही कह रही है। लेकिन कैसे अब हिंदुस्तान बढ़ रहा है स्मार्ट इंडिया बनने की तरफ, ई मनी की तरफ। विपक्ष कहता है कि क्या दूध वाले को, सब्जी वाले को चेक से या फिर कार्ड से हम पैसा देंगे, क्या ये हिंदुस्तान में मुमकिन हो पाएगा? हिंदुस्तान में ये मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि चाय वाला हो, बल्कि हम तो आपको ऐसी ऐसी कहानियां दिखाएंगे हिंदुस्तान की जहां गोलगप्पे वाला, चाय वाला भी धीरे धीरे ई मनी के जरिए, ई बैंकिंग के जरिए अपने पेमेंट्स ले रहा है। तो क्या हिंदुस्तान कैशलेस हो जाएगा? क्या एक स्मार्ट इंडिया की तरफ हम वाकई बढ़ रहे पिछले 10 दिन में देश स्मार्ट हो गया। देश ने यह भी दिखा दिया कि जिंदगी कैश नहीं, कैश के बिना भी चल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में नोट हो, जरूरी यह है कि आप स्मार्ट बनो। और यही वजह है कि गोल गप्पे वाले से लेकर चाय की दुकान तक, किराने की दुकान से लेकर कॉलेज तक, आपको कैश की कोई जरूरत नहीं है। बस जेब में स्मार्टफोन और एक स्मार्ट कार्ड हो तो सब कुछ आसान है। तो देश कतार में है लेकिन हताश नहीं है, 10वें दिन भी हौसले बुलंद है। क्यों हौसले बुलंद हैं? इसी के साथ हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।